Good morning students of class 8 and uh, welcome back. Dear children, today we are going to start a new chapter, A Country Childhood. As always, uh, before we begin with the chapter, let's learn the new word meanings of the chapter. First one is Dedicated, which means devoted. Samarpit kardena, waqf kardena. नेक्स्ट वन इज़ अपार्थीथ अ पॉलिटिकल सिस्टम इन साउथ अफ्रीका दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस पॉलिटिकल एक पॉलिटिकल uh, सिस्टम है साउथ अफ्रीका में जिसमें लोगों को कलर के बेसिस पे uh, भेदभाव किया जाता है और और उनको बांटा जाता है इस सिस्टम को क्या बोलते हैं अपार्थीट नेक्स्ट वन इज़ नीगोशियट विच मीन्स रिजॉल्व सेटल सॉट आउट किसी मैटर को हल कर लेना शॉर्ट आउट कर लेना डेट इज़ नीगोशियट दैन नेक्स्ट वन इज़ वेल्ड ग्रास लैंड्स इन साउथ अफ्रीका साउथ अफ्रीका में uh, जो बड़े बड़े घास के मैदान होते हैं उसे क्या बोलते हैं वेल्ड well, बोलते हैं

जो जब कोई अपनी लाइफ के बारे में खुद लिखता है डेट इज़ ऑटोबायोग्राफी। नेक्स्ट वन इज़ बायोग्राफी। लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय समवन एल्स जब कोई किसी और के बारे में लिखता है किसी के बारे में लिखता है डेट इज़ बायोग्राफी ओके ना ओपन योर बुक पेज नंबर टेन a country childhood country uh, country here uh, refers to a village right and uh, childhood means bachpan so this story is uh, about a child who spends his childhood in a village in a very difficult conditions एक ऐसे बच्चे की कहानी है जिसने अपना बचपन गांव में गुजारा है और बहुत ही मुश्किल हालात में अपना समय गुजारा है तो वो बच्चा कौन है हु इज़ दैट चाइल्ड सो दिस चाइल्ड इज़ नेल्सन मंडेला नाउ नैल्सन मंडेला इफ़ यू ऑल नो और इफ़ यू इवन डोंट नो ही वॉज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका नेल्सन मंडेला अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे नाउ इफ़ यू ऑल नो साउथ अफ्रीका पर ब्रिटिशर्स uh, का राज था जैसे इंडिया के ऊपर ब्रिटिशर्स का राज uh, एक टाइम पे था ऐसे ही साउथ अफ्रीका पर भी ब्रिटिशर्स uh, राज करते थे और वहाँ पर ब्लैक एंड वाइट स्किन कलर के बेसिस पे बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन और बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था तो नेल्सन मंडेला ने इस सिस्टम के ख़िलाफ़ एक लड़ाई लड़ी पहली बात ये जो भेदभाव होता था स्किन कलर के बेसिस पे इस सिस्टम को क्या बोलते हैं अपारथीत सो so, नेल्सन मंडेला फॉट फॉर दिस अनजस्ट सिस्टम ऑफ अपार्थीथ इन साउथ अफ्रीका नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वट डज़ अपारथी मीन अपार्थीथ का मतलब होता है जहाँ पर वाइट और स्किन कलर के बेसिस पे लोगों को बाँटते हैं और भेदभाव किया जाता है इट इज़ कोल्ड अपार थीथ है ना इसको अपारथीत सिस्टम बोलते हैं सो इस सिस्टम के ख़िलाफ़ नेल्सन मंडेला ने बहुत ज़्यादा जद्दोजहद की बहुत ज़्यादा कोशिश की बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया और इस इसके खिलाफ़ लड़ने के लिए लगभग लग लगभग उन्हें सत्ताईस साल जेल में रहना पड़ा ना ओपन योर बुक एंड लेट्स सी द लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन नेल्सन मंडेला डेडिकेटेड हिज लाइफ टू साउथ अफ्रीकाज स्ट्रगल फ़ॉर रेशल इक्वालिटी नेल्सन मंडेला ने अपनी लाइफ को समर्पित कर दी थी किस लिए साउथ अफ्रीका के रेशल इक्वालिटी रेशल इक्वालिटी मीन्स द ब्लैक एंड वाइट पीपल शुड बी ट्रीटेड इक्वली यानी इसकी बराबरी के लिए उसने क्या की अपनी पूरी लाइफ समर्पित कर दी लगा दी ही स्पेंड ट्वेंटी सेवन ईयर्स इन प्रीजन फॉर अपोजिंग सिस्टम ऑफ सेग्रीगेशन कॉल्ड अपार्थीट यानी इस अपार्थी सिस्टम के ख़िलाफ़ यानी ये जो, ये जो बांटने वाला सिस्टम है इसके लिए इसके ख़िलाफ़ लड़ने के लिए उन्हें तकरीबन जेल में सत्ताईस साल रहना पड़ा ही नीगोशिएट एन एंड टू अपार्थी इन नाइनटीन नाइन्टी यानी उसने इस सिस्टम को अबोलिश कर दिया ख़त्म कर दिया कब उन्नीस सौ नब्बे में एंड इन नाइनटीन नाइन्टी फोर ही बिकेम द फर्स्ट एवर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका और वो पहले उन्नीस सौ चौरानबे में पहले इलेक्टेड प्रेसिडेंट बने एंड वन ऑफ़ द ब्लैक प्रेसिडेंट ही वॉज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ़ साउथ अफ्रीका वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड डीपली लव्ड लीडर्स इन द वर्ल्ड वो सिर्फ और सिर्फ साउथ अफ्रीका में ही फेमस नहीं थे बल्कि पूरी दुनिया में फेमस थे मंडेरा पासड अवे ऑन फाइव दिसंबर टू थाउजेंड थर्टीन इन जैंसबर्ग और उनकी डेथ पाँच दिसंबर दो हज़ार पाँच को जैंसबर्ग में हो गई रीड दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम फ्राम नेल्सन मंडेला ऑटोबायोग्राफी देखिए ये uh, ये क्या है एज आई टोल्ड यू देर आर टू वर्ड्स ऑटोबायोग्राफी एंड बायोग्राफी क्या होती है ऑटोबायोग्राफी uh, ऑटोबायोग्राफी इज़ द लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटर्न बाय द पर्सन इट्सल्फ ओके जब कोई इंसान अपनी लाइफ के बारे में खुद लिखता है उसे क्या बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी बायोग्राफी दैट स्टार्ट्स फ्राम बर्थ टिल डेथ ओके और बायोग्राफी इज़ द लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटर्न बाय समवन एल्स जब कोई किसी के लाइफ के बारे में लिखता है डेट इज़ बायोग्राफी ओके okay. सो so, ये नेल्सन मंडेला की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका एक छोटा सा हिस्सा है माय मदर प्रिसाइडेड ओवर थ्री हर्स एट क्वानो एज आई रिमेंबर दीज वर ऑलवेज फिल्ड विद द बेबीज एंड चिल्ड्रन ऑफ माय रिलेटिव्स इन फैक्ट आई हार्डली रिकॉल एनी मोमेंट एज अ चाइल्ड व्हेन आई वाज अलोन

माई मदर मेरी माँ जो थी वो तीन हर्ट्स uh, की रखवाली थी यानी देख रेख करने वाली थी हर्ट्स मीन्स घास फूस के जो घर होते हैं जैसे झोपड़ी बोलते हैं यानी तीन घर थे उसके तीन झोपड़ियाँ थी जैसा कि मुझे पता है एज आई रिमेम्बर दीज व ऑलवेज फिल्ड विद द बेबीज एंड चिल्ड्रन ऑफ माई रिलेटिव्स यानी ये जो तीनों घर थे ये हमेशा भरे हुए होते थे किससे हमारे रिलेटिव के बच्चों से

क्या है कि हम अपने चाचा और मामू के जो बच्चे होते हैं उसे कज़न्स नहीं बोलते हैं बल्कि हम क्या बोलते हैं उनको हमारा भाई बोलते हैं भाई बहन बोलते हैं वी हैव नो हाफ ब्रदर्स और हाफ सिस्टर्स और आंट्स और अंकल्स हमारे हाफ ब्रदर हाफ सिस्टर या आंट्स या अंकल नहीं होते माई मदर सिस्टर इज़ माई मदर मेरी माँ की जो बहन है वो मेरी माँ है माई अंकल सन इज़ माई ब्रदर मेरे अंकल के जो लड़के हैं वो मेरे भाई हैं माई ब्रदर्स चाइल्ड इज़ माई सन माई डॉटर और मेरे भाई के जो लड़के और लड़की है वो मेरे क्या है मेरे बच्चे हैं ऑफ़ my मदर्स थ्री हर्स वन was used फॉर कुकिंग वन फॉर स्लीपिंग एंड वन फॉर स्टोरेज कि मेरी माँ की जो तीन झोपड़ियाँ थी उसमें से एक आ, आ, खाना पकाने के लिए यूज आ, होता था और एक स्लीप सोने के लिए और एक स्टोरेज के लिए यानी जिसमें हम सामान वगैरह रखते थे इन द हट इन विच वी स्लैप्ट देयर वॉज नो फर्नीचर इन द प्रॉपर सेंस वी स्लेप्ट ऑन मैथ्स एंड ऑन द ग्राउंड I did not discover blues until much later. My mother cooked the food in a three-legged iron pot over an open fire in the center of the hut or outside. Everything was everything we ate. We grew and made ourselves. अब वो कह रहे हैं कि जो तीन झोपड़ियाँ थी अ, मेरी माँ की एक में हम क्या करते थे एक किस लिए था एक खाना पकाने के लिए था एक सोने के लिए था और एक स्टोरेज के लिए था यानी जिसमें हम सामान रखते थे इन द हर्ट इन विच वी स्लैप्ट वो और वो झोपड़ी जिसमें हम सोते थे वी स्लेप्ट ऑन मैथ्स एंड सेट ऑन mats वी स्लेप्ट ऑन mats एंड सेट ऑन द ग्राउंड हम किस पे दरी बिछा कर um, सोते थे चटाइयों पर सोते थे और ग्राउंड में बैठते थे आई डिड नोट डिस्क प्लूज मच लेटर हमें काफ़ी टाइम तक तो पता ही नहीं था कि तकिया uh, कुछ हो तकिए वगैरह कुछ होते हैं माई मदर कुकड फूड इन अ थ्री लेग्ड आयरन पोट यानी मेरी माँ जो खाना पकाती थी वो ऐसे आयरन uh, पोर्ट होते थे जिसके क्या थी ती, क्या थे तीन पैर होते थे और उसको कई बार हट uh, है जो है उसके सेंटर यानी बीच में रख के खाना पकाती थी और कई बार बाहर रख के खाना पकाती थी Everything we ate, we grew and made ourselves. we we uh, From an early age, I spent most of my free time in the wealth, playing and fighting with the other boys in the village. At night, I shared my food and blanket with those same boys. वो कह रहे हैं फ्रॉम एन अर्ली एज यानी छोटे से ही आई मैंने आई स्पेंड मोस्ट ऑफ़ माई फ्री टाइम इन दर्ल्ड कि मैं अपना फ्री टाइम मैंने अपना फ्री टाइम ज़्यादातर कहाँ गुजारा है वर्ल्ड में गुजारा है ग्रास लैंड से यानी घास के मैदान मैदान में गुजारा गुजा है और मैं वहाँ क्या करता था मैं खेलता था और जि, और गाँव के दूसरे बच्चों के साथ खेलता था लड़ लड़ जाता था जिस तरीके से छोटे बच्चे करते हैं एट नाइट आई शेयर्ड माई फूड एंड ब्लैंकेट विद दो सेम बॉयज यानी जिनके साथ मैं खेलता था लड़ाई करता था उन्हीं लड़कों के साथ मैं रात को खाना भी शेयर करता था और वो कंबल भी शेयर करता था जिसमें हम लोग सोते थे इससे ये पता चलता है क्या जो साउथ अफ्रीका में जो लोग रहते थे वो बहुत ही प्यार मोहब्बत के साथ रहते थे डियर स्टूडेंट्स विद दिस वी हैव ऑलमोस्ट कवर्ड हाफ ऑफ द चैप्टर and remaining part of the chapter will do in the next class and last don't forget to subscribe to the channel thank you very much